Okay, thank you. So, good afternoon, everyone. Bhanu, can you share the PDF? Okay, thank you. So, today we are going to learn about the four quadrant operation of a DC machine. DC machine, which is basically, आपका जो भी ऑपरेट करता है फोर क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है, ठीक है. सो क्वाड्रेंट से क्या मतलब है, हम लोग लाइक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं कि जो आपका कोई भी एक्स और वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग चार क्वाड्रेंट में बांटते हैं, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सिमिलर वे में जो आपका डीसी मशीन का जो ऑपरेशन है उसको भी हम लोग इन फोर क्वाड्रेंट उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है. सो बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेनली हम तभी एम्प्लॉय करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग द डीजेनरेटिव टाइप ब्रेकिंग, ठीक है. क्योंकि इसमें जो है आपका एनर्जी का सेविंग होता है. हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में आपका जो एनर्जी हम लोग जिसको हम लोग ब्रेकिंग में लगा रहे हैं उसी एनर्जी को फिर से सप्लाई के रीयूज कर रहे हैं, ठीक है. सो मोस्टली आपका रीजेनरेटिव ब्रेकिंग आपका यूज होता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन. बिलो फिगर जो आपका नीचे का जो फिगर का ग्राफ दिया है, ठीक है, इट शोज पोलैरिटी ऑफ द सोर्स वोल्टेज दैट इज वी, बैक ईएमएफ दैट इज ई एंड द आर्मेचर करेंट दैट इज आईएफ, ठीक है. सो सोर्स वोल्टेज जो है वी, बैक ईएमएफ जो है आपका ई और आर्मेचर करेंट जो है आपका आईएफ फॉर ऑपरेशन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक है. आपका वी ई और आई ए इस तरह चेंज हो रहा है, क्या उसका साइन रहेगा, ठीक है, वो आपका इस क्वाड्रेंट से पता चलेगा. ओके, सो बेसिकली जो क्वाड्रेंट है इसमें हम लोग वाई एक्सिस में लिए हैं द स्पीड एंड एक्स एक्सिस में लिए हैं द टॉर्क, ठीक है. सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज शोइंग द फॉरवर्ड मोटरिंग, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज शोइंग द फॉरवर्ड ब्रेकिंग, इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट इज शोइंग द रिवर्स मोटरिंग, in the fourth quadrant it is showing the reverse braking. So forward and reverse se kya matlab hai ki normal jo aapka motor ka jo speed ka jo direction hota hai, theek hai, jab normally wo operate hota hai jis taraf pe wo normal operate hota hai that is taken as the forward, aur jab usko reverse kar rahe hain for regenerative braking jo this direction mein ye opposite to the forward direction ja raha hai, theek hai, usko hum log kahenge reverse motoring and reverse braking mode. सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यू कैन सी आपका जो दोनों ही आपका वी और ई इट इज पॉजिटिव, ठीक है, और आई ए आपका फ्लो कर रहा है फ्रॉम वी टू ई, ठीक है, एंड आर ए इज द रेजिस्टेंस एंड इन दिस केस सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर दैन द इंड्यूस ई एम एफ ई. सो दिस इज द फॉरवर्ड मोटरिंग मोड. सो हेयर वी ई आई ए आर टेकन एज पॉजिटिव, द टॉर्क एंड स्पीड आर ऑल्सो positive in this case. In the second quadrant, that is the forward braking, E will continue to be positive. ठीक है, आपका जो induced EMF E था जैसे पहले की तरह positive था उस तरह ही वो positive रहेगा. Reason इसके पीछे ये है कि motor जो है it will be its chain runs in the forward direction. ठीक है, motor का speed आपका change नहीं हो रहा direction का, ठीक है, जिस तरह पे forward direction में speed जा रहा था उसी direction में आपका जाएगा, ठीक है, और इसमें कोई भी हमारा चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है. सो दैट्स वाई जो आपका ई का जो पोलैरिटी होगा इट विल बी पॉजिटिव ओनली. फॉर टॉर्क टू बिकम नेगेटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो टू रिवर्स, ठीक है, अब ये फॉरवर्ड में ब्रेकिंग करवा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा टॉर्क है जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है, तो टॉर्क हमको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए हमारा एनर्जी फ्लो जो है, ठीक है, उसको भी रिवर्स होना होगा. सो इसके लिए क्या जरूरत है कि हमारा जो करेंट है आर्मेचर करेंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो, इट शुड बिकम नेगेटिव, ठीक है, और इस केस में आपका जो सोर्स वोल्टेज है इट शुड बी लेस देन द इंड्यूस ईएमएफ ई, ठीक है, मैग्नीट्यूड है ई का इट शुड बी ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ठीक है, दैट इज वी शुड बी लेस देन ई. Now coming to quadrant number 3, that is the reverse motoring case. E will reverse, that is E ka jo polarity hai wo aapka negative ho jayega, theek hai, because of reversal of speed, kyunki isme aapka speed jo tha hamara forward direction nahi jaake ab reverse direction mein jayega,
ठीक है, तो टू कीप द टॉर्क नेगेटिव एंड द एनर्जी फ्लो फ्रॉम सोर्स टू मोटर दैट इज कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर मोटरिंग ऑप्शन मोटरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इससे आपका टॉर्क को आपको नेगेटिव रखना है, एनर्जी फ्लो जो है आपका सोर्स से मोटर पे जाएगा, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल कंडीशन फॉर द मोटरिंग ऑपरेशन, ठीक है। सो इसलिए आपका वी और आई दैट इज द सोर्स वोल्टेज एंड द आर्मेचर करेंट, ठीक है, उसका डायरेक्शन आपका चेंज होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इट शुड हैव द नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है, और इस केस में आपका क्योंकि ये मोटरिंग ऑपरेशन है, आपका सोर्स वोल्टेज इट शुड बी ग्रेटर देन द इंड्यूस ईएमएफ ई, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड हम सिर्फ ले रहे हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी इट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई। सो दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज द रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन। नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज द रिवर्स ब्रेकिंग कंडीशन, इसमें आपका जो डायरेक्शन है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डायरेक्शन इट हैज रिवर्स, ठीक है, इसलिए और इसमें हम ब्रेकिंग करवा रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि वोल्टेज का पोलैरिटी भी चेंज होगा, दैट इज इट हैज द माइनस पोलैरिटी एंड इंड्यूस ईएमएफ इट शुड ऑल्सो हैव द माइनस पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स वोल्टेज वी इट शुड बी लेस दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ई, ठीक है। So, for torque to be positive, energy flow from the motor to source, that is, IA should be positive. ठीक है, आप देखिए IA का जो direction है ये flow कर रहा है हमको source voltage से induce EMF E की तरफ, ठीक है, बाकी सब हमारा same ही रहेगा जो भी आपका breaking operation में होता है। So, this is the four quadrant operation. So, based on this quadrant operation, we have the four quadrant 1, 2, 3, 4, and इसमें polarity of source voltage and direction of source current क्या क्या होगा उसको हम लोग इसमें दिखाए हैं table में, ठीक है। So in quadrant 1, polarity of source voltage that is V, ये हमारा positive रहेगा और source current भी हमारा positive रहेगा, ठीक है। Second quadrant में V का polarity it should be again positive and direction of source current it should be negative. In the third quadrant, we have the source voltage polarity, it should be negative, and the direction of source current, it should be negative. Both are negative. In the fourth quadrant, the polarity of source voltage, it is negative, and the direction of source current, it is positive. Okay? From the above table, it is concluded, for operation in quadrant 1 and 2, one needs a source with पॉजिटिव वोल्टेज एंड एबिलिटी टू कैरी करेंट इन आइडर डायरेक्शन, ठीक है। तो इस पूरे टेबल से हमको ये देखने को मिल रहा है कि अगर क्वाड्रेंट 1 और 2 में हमको ऑपरेट कराना है, ठीक है, सो इसके लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, और जो करेंट है ये दोनों ही डायरेक्शन फ्लो कर सकता है, वेदर इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द रिवर्स डायरेक्शन। नाउ फॉर क्वाड्रेंट 1 और 4 ऑपरेशन, ठीक है, 1 और 4 में ऑपरेट करने के लिए द सोर्स शुड बी एबल टू प्रोवाइड वोल्टेज इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 और 4 में आपका जो वी का जो डायरेक्शन है पोलैरिटी है इट इन क्वाड्रेंट 1 इट इज पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज एंड इन क्वाड्रेंट 4 इट इज नेगेटिव, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करेंट दोनों ही केस में हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सोर्स को ऐसा वोल्टेज देना है जो कि दोनों ही डायरेक्शन में आपका रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, बट इट नीड नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी करेंट इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव ओनली। फॉर ऑपरेशन इन ऑल फोर क्वाड्रेंट द सोर्स शुड बी एबल टू प्रोवाइड वोल्टेज इन आइदर डायरेक्शन एंड शुड अलाउ द करेंट टू फ्लो इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है। अब हमको चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट करवाना है, ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज शुड बी बोथ प्लस एंड नेगेटिव एंड पोलैरिटी ऑफ सोर्स करेंट इट शुड बी अगेन प्लस एंड नेगेटिव, दोनों में हमारा वैरी करे, ठीक है, मतलब आइडियल डायरेक्शन में ये जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन। नाउ इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी द प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। सो कल के क्लास में लोग डिस्कस किए थे कि
हम लोग बहुत समय सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के केस में हम लोग चॉपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन होता है फॉर रिवर्स ब्रेकिंग ये स्मूथ होता है, ठीक है, और इसका जो एफिशिएंसी होता है ये भी हमारा बहुत हाई रहेगा, ठीक है। सो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे चॉपर कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में। सो एज अ इंट्रोडक्शन, चॉपर आर यूज फॉर कंट्रोलिंग बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एडवांटेज, ठीक है। चॉपर का मेनली हम लोग यूज करते हैं कंट्रोलिंग में, क्योंकि बहुत सारा एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है? पहला है कि इसमें हाई एफिशिएंसी रहता है। हाई एफिशिएंसी मतलब आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, इट इज़ वेरी हाई। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोलिंग पावर इसमें फ्लेक्सिबल रहेगा। देन इट हैज़ लाइट वेट, ठीक है, वेट इसका बहुत लाइट रहता है चॉपर्स का। स्मॉल साइज है, ये कॉम्पैक्ट रहता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं लेता है, ठीक है। पहले का जो कंप्यूटर्स था वो वैक्यूम ट्यूब्स उसमें रहता था, ठीक है, तो लगभग उसका साइज बहुत बड़ा होता था, इट इज़ अबाउट 3 to 4 रूम साइज, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ फास्ट टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो कंप्यूटर का साइज है बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस है, ठीक है, वो उसका साइज आपका कम रहता है, ठीक है, इसलिए स्पेस बहुत कम ये लेता है, ठीक है। देन बाकी है कि क्विक रिस्पॉन्स इसका रहता है, ठीक है, जल्दी रिस्पॉन्स देता है। रीजनरेशन डाउन टू अ वेरी लो स्पीड, कल देखे थे कि बहुत कम स्पीड में भी हमको रीजनरेशन मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमको पॉसिबल है जब हम लोग चॉपर का यूज करते हैं। दे हैव एप्लीकेशन इन सर्वो एंड ट्रैक्शन। एक और पॉइंट शायद छूट गया है, पावर कंजप्शन, वो भी तो लो होता है ना? पावर कंजप्शन भी इसमें लो होता है चॉपर्स में, यस सर, एज कम्पेयर टू नॉर्मल। आप रेक्टिफायर का अगर यूज करेंगे, कंट्रोल रेक्टिफायर का, तो चॉपर्स एज कम्पेयर टू जितना रेक्टिफायर में आपका कंजप्शन होता है, चॉपर्स में आपका कम से कम कंजप्शन होता है, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। सो नेक्स्ट है इसका, दे हैव एप्लीकेशन इन सर्वो एंड ट्रैक्शन, ठीक है। तो ट्रैक्शन में आपका कहाँ यूज होता है? ट्रैक्शन में हमको यूज होता है, इट इज़ यूज इन अंडरग्राउंड ट्रांजिट, ठीक है, अंडरग्राउंड आपका मेट्रोज हो गया, ट्रांजिट में आ गया। देन इन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में इसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हो गया फॉर्कलिफ्ट ट्रक, स्पेशल एप्लीकेशन का ट्रक होता है, एंड ट्रॉलीज। दे हैव रिप्लेस रेजिस्टेंस कंट्रोलर इन 1500 वोल्ट डीसी ट्रैक्शन, ठीक है। सो 1500 वोल्ट डीसी ट्रैक्शन में मतलब लाइक इलेक्ट्रिक टाइप का जो आपका ट्रेन होता है, ठीक है, उस वहाँ पे आप लोग का जो रेजिस्टेंस कंट्रोलर पहले यूज होता था, रेजिस्टेंस टाइप का जो कंट्रोलिंग पहले हम लोग करते थे, उसको ये चॉपर्स आपका रिप्लेस कर दिया। देन इन सर्वो एप्लीकेशन सेपरेटली एक्साइटेड सर आवाज नहीं आ रही है, अभी ऑडिबल है? यस सर। इन सर्वो मोटर एप्लीकेशन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट फील्ड डीसी मोटर आर यूज बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो सर्वो एप्लीकेशन हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड टाइप डीसी मोटर का यूज करते हैं या फिर परमानेंट मैग्नेट फील्ड डीसी मोटर का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि फ्लेक्सिबल कंट्रोल, रीजन ये है कि फ्लेक्सिबल कंट्रोलिंग इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमें इसमें पॉसिबल है, ठीक है। सीरीज मोटर आर इनिशियली यूज बिकॉज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, आपका इनिशियल वे में आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता था सीरीज मोटर का, इसलिए पहले हम लोग सीरीज मोटर का यूज करते थे, ठीक है, बट उसमें कुछ लिमिटेशन आने लगा, जैसे कि फर्स्ट इज फील्ड इज नॉट कंट्रोल्ड ईजिली बाई स्टैटिक मीन्स, ठीक है, इसका जो फील्ड है वो हम लोग को ईजिली कंट्रोलिंग नहीं होता है, ठीक है, स्टैटिक मीन्स से हम लोग ईजिली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देन अगर फील्ड कंट्रोल हम लोग एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, देन द सीरीज मोटर मस्ट बी डिजाइन विथ इस बेस स्पीड इक्वल टू द हाइएस्ट डिजायर्ड स्पीड ऑफ द ड्राइव, ठीक है। तो अगर मान ली हम लोग फील्ड
टाइप ऑफ कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज मोटर को क्या किस तरह डिजाइन करना है, उसका जो बेस स्पीड होगा, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू द हाईएस्ट डिजायर्ड स्पीड ऑफ द ड्राइव, ठीक है, हाईएस्ट डिजायर्ड स्पीड ऑफ द ड्राइव के इसका इक्वल होना चाहिए। सो हायर बेस स्पीड आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फ्यूअर टर्न्स इन द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये कैसे हमको मिलेगा, अगर हम लोग बहुत कम नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग्स में, ठीक है, विच रिड्यूसेस द टॉर्क पर एम्पियर एट जीरो एंड लो स्पीड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका टॉर्क पर एम्पियर मतलब टॉर्क पर यूनिट ऑफ करेंट, ठीक है, एट जीरो एंड लो स्पीड में, ठीक है, आपका ये घट जाएगा टॉर्क पर एम्पियर, ठीक है। सो ये आपका एक डिसएडवांटेज हो रहा है। सो फॉर डीसी मोटर कंट्रोल इन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल्स आपका इसी पे है, ठीक है, किस तरह कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसको हम लोग देखेंगे। सो चॉपर ऑफर्स अ नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो चॉपर एज कम्पेयर टू कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, इट हैज मेनी एडवांटेज, ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। सो बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज रिपल, द रिपल इन द मोटर आर्मेचर करेंट इज लेस एंड द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन इन स्पीड टॉर्क प्लेन इज स्मॉलर, ठीक है, क्योंकि आपका जो आउटपुट वोल्टेज का रिपल है उसका हाई फ्रिक्वेंसी रहता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जितना फ्रिक्वेंसी हाई रहेगा, ठीक है, आपका स्टेबिलिटी उतना ही स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि रीजन ये है कि रिपल्स मान लिया अगर रह रहा है तो हम लोग फ्रिक्वेंसी को हाई करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो जितना हमारा वो रिवॉल्यूशन हाई रहेगा, ठीक है, आपका स्टेबिलिटी भी आपको उस तरह से, मान लीजिए कुछ रिपल्स या कुछ हार्मोनिक्स आ रहा है, ठीक है, तो उस तरह से उसको आपका एट लास्ट में वो स्टेबल कर देगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज रिपल, द रिपल इन मोटर आर्मेचर करेंट इज लेस, ठीक है, मोटर आर्मेचर करेंट का रिपल कम होगा एंड द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन इन स्पीड टॉर्क प्लेन इज स्मॉलर, ठीक है। सो आपका जो भी डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, स्पीड टॉर्क प्लेन में, ठीक है, वो हमारा कम से कम होगा क्योंकि हमारा फ्रिक्वेंसी हम लोग इसमें बढ़ा दे रहे हैं। सो जो भी सीरीज मोटर का जो भी दिक्कत आ रहा था, लिमिटेशन आ रहा था, ठीक है, बेसिकली सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के यूज से वो सब चल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जैसे हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि रीजेनरेटिव टाइप ब्रेकिंग में वो हम लोग स्मूथली हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम लोग को सीरीज मोटर के साथ अगर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करना पड़े तो हमको अलग अलग कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा और लॉसेस भी इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। सो अ रिडक्शन इन आर्मेचर करेंट रिपल रिड्यूसेस द मशीन लॉसेस एंड इट्स डी रेटिंग, ठीक है। सो मान लीजिए कुछ अगर रिडक्शन हम लोग कर रहे हैं जितना भी रिपल्स इन द आईए आर्मेचर करेंट, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मशीन में जो भी लॉस होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा एंड उसका डी रेटिंग मतलब आपका एज पर द रेटेड वैल्यू, आपका जो उसका मशीन का जो नेम प्लेट में जो रेटेड वैल्यू है, ठीक है, वो सब मतलब फॉलो होना चाहिए, मैक्सिमम रेटेड वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो रिपल्स के वजह से बहुत समय होता क्या है कि हार्मोनिक्स की वजह से वो मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर जाता है, ठीक है। सो इसके डी रेटिंग से हमको ये बचाता है। अ रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन रीजन इम्प्रूव स्पीड रेगुलेशन एंड ट्रांसियंट रेस्पॉन्स ऑफ ड्राइव, ठीक है। सो मान लीजिए कुछ भी रिडक्शन हो रहा है या एलिमिनेशन हो रहा है ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन रीजन, ठीक है, कुछ भी कम हुआ आपका जो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन रीजन है उसमें मान लीजिए कुछ भी रिडक्शन हुआ या एलिमिनेशन हुआ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका स्पीड जो है आउटपुट में हमको स्मूथ मिलेगा, ठीक है, स्पीड रेगुलेशन विल बी इम्प्रूव एंड द ट्रांसियंट रेस्पॉन्स ऑफ द ड्राइव, ठीक है, आपका जो ड्राइव का जो ट्रांसियंट रेस्पॉन्स है मतलब सडन फ्लक्चुएशन, ठीक है, दैट विल बी इम्प्रूव। टू रियलाइज अ हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज रिपल, ठीक है, अगर मान लीजिए हमको हायर फ्रिक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज रिपल को मतलब सिंथेसाइज करना है, ठीक है, रियलाइज करना है, इट इज कस्टमरी टू यूज अ रेक्टिफायर विद अ हायर पल्स नंबर, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर के साथ हम लोग हायर पल्स नंबर का हम लोग चॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। द रेक्टिफायर यूज रिजल्ट इन लो यूटिलिटी फैक्टर
फॉर थायरिस्टर एंड रिलेटिवली हाई कॉस्ट. ठीक है, सो रेक्टिफायर जो है अगर इस तरह का यूज करेंगे विथ हायर पल्स नंबर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो थायरिस्टर है उसका यूटिलिटी फैक्टर बहुत कम रहेगा. ठीक है, और इसका कॉस्ट भी एज कम्पेयरली बाकी सब का ये हायर कॉस्ट में होगा. वेयर एज अ चॉपर कैन बी ऑपरेटेड एट कम्पेरेटिवली हायर फ्रिक्वेंसी. ठीक है, जबकि आपका उसी रेंज में अगर चॉपर का यूज कीजिएगा, ठीक है, सो ये एज कम्पेरेटिवली टू द रेक्टिफायर इट विल ऑपरेट एज द हायर फ्रिक्वेंसी. ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी में ये ऑपरेट करेगा. देन ऑपरेशन ऑफ चॉपर इन सिंक्रोनिज्म विद एसी वोल्टेज सोर्स अलाउज एन इम्प्रूवमेंट इन लाइन पावर फैक्टर. ठीक है, आपका जो भी चॉपर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, इन सिंक्रोनिज्म विद एसी सोर्स वोल्टेज. ठीक है, किसी लाइन में जो भी सोर्स वोल्टेज है, सपोज 220 वोल्ट हुआ समथिंग, ठीक है, उसके साथ अगर हम लोग चॉपर का यूज कर रहे हैं इन सिंक्रोनिज्म, दोनों ही आपका सिंक्रोनिज्म में है. ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंसी आपका दोनों का चॉपर का भी सेम है और एसी सोर्स वोल्टेज का भी सेम है. ठीक है, सो इससे क्या होगा, इट विल अलाउ एन इम्प्रूवमेंट इन द लाइन पावर फैक्टर एंड अ रिडक्शन इन द आर्मेचर करंट रिपल. ठीक है, सो इससे आपका एडवांटेज क्या है कि लाइन का जो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा. इट विल, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो कॉस फाई का वैल्यू होता है दैट इज यूनिटी. ठीक है, सो नियर टू अबाउट यूनिटी हमको वैल्यू इसका मिलेगा, इट विल बी इम्प्रूव. एंड अ रिडक्शन इन द आर्मेचर करेंट रिपल. ठीक है, आर्मेचर करेंट में जो भी रिपल्स आ रहा है, हार्मोनिक्स जो भी आ रहा है, ठीक है, उसमें ये रिडक्शन होगा. सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ द चॉपर इफ यूज इन अ डीसी मोटर. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल सी लाइक व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ चॉपर ऑपरेशन. ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड द सीरीज मोटर देखेंगे. So thank you everyone for listening.